फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय, आप सबकी रीजनिंग की टीचर, आपको कैलेंडर का टॉपिक करवा रही थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने उसके अंदर हमारा रेफरेंस कैलेंडर का केस वन कवर कर लिया था। आज से हम अपना केस सेटिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन ले लेते हैं। हमने केस फर्स्ट में क्या किया था, केस फर्स्ट में हमने क्या किया था, डेट सेम ले ली थी और जो हमारा ईयर था वो हमारा क्या था, चेंज था। यानी कि हमें एक दिन दे रखा था और दूसरा हमें क्या करना था, निकालना था, जहां पर डेट और मंथ हमारी सेम थी और ईयर हमारा अलग अलग था। तो मान लो अगर उसने हमें दिया है कि 5 मई 2005 को उसने हमें दे दिया मंडे, और हमसे पूछा गया है कि बताओ 2 मई 2015 को क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, दोनों ईयर्स के बीच के नंबर ऑफ ईयर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन दोनों ईयर्स के बीच में, 2005 और 15 के बीच में टोटल ईयर्स कितने आ गए, 10 प्लस। अब हम करेंगे इनके बीच में आने वाले लीप ईयर्स को लिखेंगे। 2005 से 2015 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, 2008 2012, सिर्फ दो लीप ईयर आएंगे हमारे 2005 और 2015 के बीच में, तो हम लिख लेंगे प्लस 2, ये कितना हो गया 12। अब 12 में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 हमारा क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डेज को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम देखेंगे हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या फिर कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। 2005 का हमें दे रखा है, 15 का निकालना है, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस 5। अब जैसे कि आपको पता है, प्लस 5 करने की बजाय मैं साइन चेंज करके दोनों का सम 5 और 2 का सम 7 आएगा, तो वो लिख के हम प्लस 5 करने की बजाय माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो मंडे माइनस 2 हमारा क्या होगा, संडे, सैटरडे, तो सैटरडे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब हम शुरू करेंगे अपना केस नंबर सेकेंड। देखो ईयर हमारा सेम है दोनों जगह, डिफरेंस किस में है, डेट और मंथ में। तो इस तरह के केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस तरह के केसेस में हमें क्या करना है, जो मंथ पहले आता है उसे पहले लिख लेंगे मार्च, जो मंथ बाद में आता है उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच के मंथ्स को लिख लेंगे। यहां पर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, देन मई, जून और जुलाई। अब हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट हमारा मंथ है, जो पहले आ रहा है, उसके हम लिखेंगे रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज। जो हमारा लास्ट वाला मंथ होगा उसके हम क्या लिखेंगे, गिवन डेट। और बीच वाले हमारे जितने भी मंथ्स होंगे उनके हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे लिखेंगे वो देखना, देखो सबसे पहले मार्च के रिमेनिंग डेज लिख लेते हैं। मार्च की कितनी तारीख दे रखी है, 2। मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। तो 31 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग डेज कितने आ जाएंगे, 29। अब देखो अगस्त की गिवन डेट लिख लेते हैं, 15 अगस्त। अब हमें अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन तीनों के नंबर ऑफ ऑड डेज लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में भी 31 होंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है हमारा उसको हम क्या,
क्या मान लेते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो अब 7 से डिवाइड करने पर 30 में क्या आएगा रिमाइंडर 2, 31 में 3, 30 में 2 और 31 में 3। अब एक दो बार आप निकाल के देखोगे तो आपको प्रैक्टिस के करने की वजह से अपने आप से याद हो जाएगा कि जिस मंथ में हमारे 30 डेज है उसमें हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होंगे, जिसमें हमारे 31 डेज है उसमें हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होंगे। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की, उतने ही ज्यादा आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद विद इन 5 or 10 seconds आपका एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसको हम दोबारा से फिर 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ ओड डेज यहाँ से यहाँ तक के बीच के। तो देखो कैसे निकले, 29 में नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे 1, 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 15 में नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे 1, तो 11 और 1 12। तो 12 में 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 5। देखो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 5 हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज आए हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कैलेंडर में आगे जाना है या पीछे जाना है। अगर हमें आगे जाना है कैलेंडर में तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज को ऐड कर देंगे, और अगर पीछे जाने के लिए बोला था तो हम लोग क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 2 मार्च से 15 अगस्त जा रहे हैं, यानी कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो संडे में प्लस 5 करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज को ऐड कर देंगे। तो संडे प्लस 5 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा सैटरडे फ्राइडे, हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो अगर 2 मार्च 2015 को संडे था तो हमारा 15 अगस्त 2015 को क्या होगा फ्राइडे होगा। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं। अभी तक तो मैंने आपको समझाया था, अब इसको क्विकली सॉल्व करके देखते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, मार्च के रिमेनिंग डेज लिख लिए, कितने आए 31 माइनस 2 29 प्लस मार्च के बाद। अगर मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, अप्रैल के नंबर ऑफ ऑड डेज क्योंकि 30 दिन होते हैं 2, उसके बाद मई के ऑड डेज, फिर जून के ऑड डेज, जुलाई के ऑड डेज प्लस अगस्त के रिमेनिंग डेज। इन सबको सॉल्व करके जो बड़े हैं उनको दोबारा से फिर 7 से डिवाइड करके उनके ऑड डेज निकाल लो, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1। अब इन सबको जल्दी जल्दी से ऐड कर लो, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो क्या आ गया हमारा 12, 12 बटे 7 आंसर क्या आ गया 5। कैलेंडर में आगे जाना है तो हमने 5 को ऐड कर दिया, संडे प्लस 5 हमारा क्या होता है फ्राइडे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रोसीजर फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आइए अब एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं हमारे इस केस से रिलेटेड। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और कुछ ही सेकंड्स में 5 या 10 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 15 जनवरी 2016 और हमें दे रखा है यहाँ पर वेडनेसडे, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बताओ 4 नवंबर 2016 को क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनवरी और नवंबर, जनवरी के हम क्या लिख लेंगे रिमेनिंग डेज। जनवरी में 31 डेज होते हैं, हमें गिवन डेट क्या दे रखी है 15, तो 31 से 15 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस। अब नवंबर की गिवन डेट लिख लेते हैं 4। अब हमें बीच में क्या करना है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब के हमें क्या करने हैं ओड डेज लिखने हैं। अब देखो फेब में 2016 हमारा लीप ईयर नहीं है तो फेब में कितने दिन होंगे 28 दिन होंगे, तो 28 दिन होंगे तो 7 4 28 और नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे 0 प्लस। मई में कितने होंगे, सॉरी मार्च आएगा, मार्च में कितने होंगे हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब जुलाई और अगस्त दोनों में हमारे 31 31 डेज होते हैं तो अगस्त में भी कितने आएंगे 3,
सितंबर में दो, अक्टूबर में तीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। सोलह के नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेंगे, कितने आएंगे, सेवन टू जो फोर्टीन, रिमाइंडर टू, दो और तीन पांच, पांच और दो सात और तीन दस, दो बारह पंद्रह अठारह, अठारह और दो बीस और तीन तेईस, तेईस और चार ट्वेंटी सेवन, तो ट्वेंटी सेवन आ गया हमारा। ट्वेंटी सेवन को अब सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सिक्स आएगा। तो हम सिक्स को क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिक्स हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो अब देखो नंबर ऑफ ऑड डेज हमने निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, कैलेंडर में देखेंगे कि आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। जनवरी से नवंबर तक जा रहे हैं तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज को ऐड कर देंगे। अब मैं प्लस सिक्स करूं या माइनस वन करूं, आंसर हमारा सेम आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस वन कर लेते हैं। तो वेडनेसडे माइनस वन हमारा क्या आएगा, ट्यूजडे, तो ट्यूजडे हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर 15 जनवरी 2016 को वेडनेसडे था तो हमारा 4 नवंबर 2016 को क्या आएगा, ट्यूजडे आएगा। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसी टाइप के। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया कि 27 जुलाई 2003 को, एक लीप ईयर मान लेते हैं, 2004 को हमें दे दिया क्या, थर्सडे, और हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा क्या गया है, मान लेते हैं हमसे पूछ लिया तो यहाँ 27 जुलाई नहीं, यहाँ 27 फरवरी, ठीक है, और हमसे मान लीजिए पूछा गया है 16 जुलाई 2004 को क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मंथ पहले आता है, पहले फैब आता है, फैब और जुलाई में से, तो फैब की क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज। अब देखो यहाँ पर फैब किसकी है, 2004 की, और 2004 हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर होता है हमारे फैब में कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। अब 29 डेज होंगे तो 29 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग डेज कितने आएंगे, दो, प्लस जुलाई की गिवन डेट लिख लेते हैं पीछे 16। अब हम इसके बीच में कौन कौन से मंथ लिखेंगे, मार्च अप्रैल मई और जून। अब मार्च में नंबर ऑफ ऑड डेज तीन होते हैं, अप्रैल में दो, मई में तीन और जून में दो। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, तीन और दो पांच, पांच और दो सात, सात और तीन दस, दस और दो बारह, और 16 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, दो, बारह और दो चौदह, चौदह सेवन से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। फैब से हम जुलाई की तरफ जा रहे हैं यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो को ऐड कर लेंगे। बाकी जीरो है तो जीरो का ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा थर्सडे का क्या आ जाएगा, थर्सडे ही आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा 27 फरवरी 2004 को थर्सडे था तो हमारा 16 जुलाई 2004 को भी क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ छोटी सी चीज करनी है इस केस के क्वेश्चंस में, हमें जो मंथ पहले आता है उसके क्या करने हैं, नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज लिखने हैं, जो मंथ बाद में आता है उसके हम क्या लिखेंगे, गिवन डेट, और बीच के जितने भी मंथ्स होंगे उन सब के हम नंबर ऑफ और डेज लिखेंगे, उन सबको जोड़कर हम क्या करेंगे, जो नंबर आएगा उसको सेवन से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज और फिर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑड डेज। अब नंबर ऑफ ऑड डेज को हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम कैलेंडर में पीछे जाने का भी कर लेते हैं, कैसे, मान लो उसने आपको बोल दिया 7 जुलाई 2013 को, उसने पूछा है क्या था, अगर उसने हमें दे दिया 2 नवंबर
2013 को उसने हमें बता दिया कि क्या था फ्राइडे। क्या बोला उसने? 2 नवंबर 2013 को फ्राइडे था, तो बताओ कि 7 जुलाई 2013 को क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो मंथ पहले आता है उसके नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज, 7 जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। तो रिमेनिंग डेज कितने बचे, 24। 2 नवंबर, 2 नवंबर यानी कि बाद वाले मंथ की गिवन डेट हमने लिख ली। अब इनके बीच के मंथ्स के नंबर ऑफ ऑड डेज लिख लेंगे, क्या होंगे, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में नंबर ऑफ ऑड डेज 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर की हमें गिवन डेट दे ही रखी है। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 24 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 7 3 21 3 3 2 3 हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 24 में, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13। तो 13 को हम क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 13 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6। तो 6 क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे 6 आ गए। अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखो, हम 2 नवंबर की डेट हमें दे रखी है और 2 नवंबर से हमें जाना कहाँ है, 7 जुलाई की डेट निकालिए, तो 7 जुलाई पर जाना है। तो हम कैलेंडर में क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज को फ्राइडे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फ्राइडे में से माइनस 6 करो, या फिर जो यहाँ पर 7 बनाना हो और साइन अपोजिट लेना हो, या फिर प्लस 1 करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि फ्राइडे में या तो माइनस 6 करो या प्लस 1 करो, बात सेम है। तो हम प्लस 1 कर लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा अफोर्डेबल है। तो फ्राइडे प्लस 1 क्या करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालकर अगर हमें कैलेंडर में पीछे जाने के लिए बोला था तो हमने नंबर ऑफ ऑड डेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फ्राइडे माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो सैटरडे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है 15 जून 1995, तो पूछा गया है हमसे और बताया क्या है हमें, 1 दिसंबर 1995 को बताया गया है कि क्या था, मंडे था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जो मंथ पहले आता है उसके क्या करेंगे, रिमेनिंग डेज को नोट डाउन करेंगे, कितने होंगे रिमेनिंग डेज, 30 माइनस 15 15 प्लस, अब जो गिवन डेट है बाद वाले मंथ की वो लिख लेते हैं 1। बीच के मंथ के नंबर ऑफ ऑड डेज लिख लेंगे, क्या होंगे, जून के बाद जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 15 को भी छोटा कर लो, क्या आएगा, 1 आएगा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। तो अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, 1 और 3 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15 15 आ गया हमारा। 15 के ऑड डेज निकालेंगे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो 1 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दिसंबर से जून की तरफ जाना है यानी कि कैलेंडर में पीछे जाना है, पीछे जाना है तो हम 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मंडे माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा, संडे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 जून 1995 को क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो अब हम अपने थर्ड केस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास मंथ और डेट सेम होगी और ईयर अलग होगा। सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा, ईयर सेम होगा और मंथ और डेट अलग होगी। अब जो हमारा केस थर्ड है ना, वो इन दोनों का ही मिक्सचर है, यानी कि हमारी डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा और ईयर भी अलग होगा। तो उस केस में हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मान लो
आपको दे दिया उसने 2 मार्च। किस मार्च में? 2 बहुत बार रिपीट हो गया। मान लो उसने हमें दे दिया 21 मार्च 2018। 18 क्या? 2008 को उसने हमें दे दिया संडे। और हमसे पूछा गया है क्या? क्या पूछा गया है? 3 जुलाई 2018 को क्या होगा? तो देखो अब क्या है, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और हमारा ईयर भी दोनों का अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पे हम केस नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, इस पोर्शन पे हम लोग केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे और बाद में उन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंथ का भी जो नंबर ऑफ फोर डेज लिखेंगे वो हम विद साइन लिखेंगे, विद सिंबल लिखेंगे, प्लस या माइनस के मंथ्स में हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। और ईयर को भी हम क्या करेंगे, विद साइन लिखेंगे, यहाँ पर भी विद साइन और यहाँ पर भी विद साइन, और फिर उन दोनों नंबर ऑफ फोर डेज को हम ऐड करके फाइनली अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात और है जो इस केस में ध्यान रखनी है कि इस केस में हम फैब में हमेशा 28 डेज लेके चलेंगे, क्योंकि जो अगर हमारा लीप ईयर आया होगा और उस लीप ईयर में हमारी 29 फैब आएगी तो वो हम इयर्स में इंक्लूड कर लेंगे, हम मंथ्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक 29 फैब हम सिर्फ एक ही बार इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम मंथ्स में इंक्लूड नहीं करेंगे उस 29 फैब को, हम क्या करेंगे वो इयर्स में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा उस तरह का तो हम देख लेंगे, वो भी एक एग्जाम्पल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के हम ओडेज निकाल लेते हैं। तो देखो 21 मार्च और 3 जुलाई, तो जो मंथ पहले आता है उसके नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 31 में से 21 ये कितने बचे, 10 प्लस जुलाई की गिवन डेट, मार्च के बाद क्या क्या मंथ आएंगे, अप्रैल मई और जून। तो अप्रैल के नंबर ऑफ फोर डेज कितने होंगे, 2 प्लस मई के 3 प्लस जून के 2। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 3 20, 20 के और डेज निकालेंगे तो कितने आएंगे, 6। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 6 और डेज आ गए, हम लिख लेते हैं 6 हमारे मंथ के नंबर ऑफ और डेज आ गए। अब साइन चेक करो, 21 मार्च का दिन दे रखा है और 3 जुलाई का निकाल रहा है, तो हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हम 2008 से 2018 जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इयर्स कितने होंगे, 18 माइनस 8 10 प्लस, इनके बीच में जो जो लीप ईयर्स आएंगे अब वो काउंट कर लेते हैं। अब देखो 2008 वैसे तो हमारा क्या है, लीप ईयर है, लेकिन 2008 में हम 21 मार्च से शुरू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन, यानी कि जो हमारी 29th फेब है वो ऑलरेडी जा चुकी है, वो हमारे यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के बीच में आती ही नहीं है, तो हम इस केस में 2008 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे लीप ईयर, क्योंकि हमें 29th फेब से यहाँ पर मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, 21 मार्च से आगे की तरफ जाना है और 3 जुलाई तक जाना है 2018 में, तो बीच में कहीं पर भी 2008 की जो हमारी 29 फेब है वो नहीं आ रही है, तो हम 2008 को यहाँ पर लीप ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ अगर यहाँ पर दिया होता हमें 21 मार्च की बजाय अगर 21 जनवरी दिया होता तो बीच में हमारी 29 फेब आती 2008 की, तब हम उसको जरूर इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पर बीच में कहीं पर भी यहाँ से यहाँ के इंटरवल में 29 फेब नहीं आती है तो हम 2008 को लीप ईयर भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारा लीप ईयर कौन सा होगा, 2012 वाला, फिर 16 वाला, तो 2 लीप ईयर आए हमारे पास, 10 प्लस 2 12, तो 12 में अगर हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे कितने आएंगे, 5 आएंगे। अब देखो हम देखेंगे 5 को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। अब हम कैलेंडर में 2008 से 2018 की तरफ जा रहे हैं, सॉरी 2008 से 2018 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम 5 को ऐड कर देंगे। हमने दोनों केसेस की
ऐड कर देंगे तो 6 और 5 कितना आ गया 11। 11 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा 4 प्लस के 4 आए तो हम सॉरी हाँ प्लस के 4। अब देखो हम दोबारा नहीं यहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या आएगा, अब हम विद सिंबल ही यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेंगे। 11 प्लस का हम हो सकता है कई बार ये हो कि यहाँ पर हमें कैलेंडर में 5 पीछे जाना हो तो हमारा माइनस 6 आ जाए, तो माइनस 6 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम केसेस को देखेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे वहां पर विद सिंबल लिखेंगे, लेकिन अभी हमारा प्लस 6 था, प्लस 6 प्लस 5 को करेंगे तो 11 आएगा, 11 के रिमेनिंग डेज निकालेंगे तो प्लस 4 आएगा, तो हम संडे प्लस 4 लिखेंगे सीधा। संडे प्लस 4 अब क्या होगा हमारा, संडे प्लस 4 हमारा आंसर आएगा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा। यानी कि अगर 21 मार्च 2008 को हमारा संडे था तो 3 जुलाई 2018 को हमारे पास क्या होगा थर्सडे होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह के ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट। देखो मान लो हमने एक स्टेटमेंट लिख ली, निकालना है हमें क्या दिन था और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 4 अक्टूबर 2016, हमें दे रखा है क्या दे रखा है थर्सडे। अगर मान लो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 4 अक्टूबर 2016 को थर्सडे था तो बताओ 19 फरवरी 2007 को क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो केसेस में डिवाइड कर लेंगे केस वन और केस टू। हम पहले केस वन को सॉल्व करेंगे। अब देखो जो मंथ पहले आता है उसके रिमेनिंग डेज लिखने हैं और मैंने आपको क्या बताया था चाहे यहाँ पर और सॉरी कोई भी ईयर हो हम उसको अगर लीप ईयर है तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे केस सेकंड में, हम केस फर्स्ट में 29 फेब को नहीं इंक्लूड करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि लीप ईयर एक ही बार काउंट होगा और लीप ईयर का मतलब ही क्या है 29 फेब को इंक्लूड करना, तो उसको हम ईएसटी केस में काउंट कर लेंगे, मंथ्स के केस में काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे फेब में 28 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 9 प्लस अक्टूबर के रिमेनिंग डेज लिख देते हैं कितने 4, इनके बीच के ईयर्स को सॉरी नंबर ऑफ ऑड डेज को फिल कर लेते हैं क्या होंगे वो फेब के बाद क्या होता है मार्च, मार्च में नंबर ऑफ ऑड डेज 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 यहाँ कर लेते हैं, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में, अक्टूबर की तो गिवन डेट लिख रखी है आप लोगों ने। अब हम इन सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो करो ऐड 9 को भी छोटा कर लेते हैं, 9 में 2 नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 4 24, तो 24 हमारे टोटल आ गया। अब 24 में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए, लेकिन हमें क्या करना है साथ में सिंबल भी लिखना है। तो देखो 4 अक्टूबर का दिन दे रखा है, 19 फेब का निकालना है, तो हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो जो हमारा सिंबल होगा वो कौन सा आएगा माइनस का आएगा। अब बात करते हैं यहाँ की 2007 से 16 तक जाए हुए हमारे ईयर्स कितने होंगे, देखो कितने होंगे ईयर्स 9 होंगे, 9 टोटल नंबर ऑफ इयर्स आ गए। अब बीच के लीप ईयर दिनों 2008, 2012 और 2016 को अब इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। अब देखो फरवरी को हम क्रॉस करके ही कहां आए होंगे अक्टूबर पे आए होंगे, ठीक है, तो इस केस में हमने यहां से यहां तक आने में 29 फेब को क्रॉस किया है, अब क्रॉस
2016 की 29 फेब को, तो 2016 को भी हम लोग क्या करेंगे, लीप ईयर में इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास लीप ईयर कौन से हो गए, 8, 12 और 16, यानी कि टोटल हमारे पास 3 लीप ईयर हो गए, 9 और 3 12। अब 12 के जो हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे वो क्या आएंगे, 5 आएंगे, 5 हमने लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो देखो 2007 से लेकर 2016 तक अगर हमें 2007 वाला दिन दे रखा होता तो हम क्या जाते, कैलेंडर में आगे जाते। जस्ट अ सेकंड, तो 2016 का दिन दे रखा है और हम 2007 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो हमारा सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो -3 और -5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, -3 और -5 को ऐड करेंगे तो -8 आएगा। -8 के नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, -1। तो अब हम क्या करेंगे, थर्सडे -1 कर देंगे। थर्सडे -1 हमारा क्या होगा, वेनसडे, यानी कि हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, वेनसडे हो जाएगा। दैट मींस अगर 4 अक्टूबर 2016 को थर्सडे है तो 19 फेब 2007 को क्या होगा, वेनसडे होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का, देखो अगर मान लो उसने आपको दे दिया 28 जून 2020 को ट्यूसडे और आपसे पूछा क्या गया है, चार अक्टूबर 2014 को क्या था। मान लो उसने आपको दे दिया 28 जून 2020 को ट्यूसडे था, तो बताओ 4 अक्टूबर 2014 को क्या होगा। तो क्या करेंगे, दो पार्ट्स बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे, 28 जून, जून के क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज, जून में 30 दिन होते हैं तो रिमेनिंग डेज कितने होंगे, 30 माइनस 28 2 प्लस अक्टूबर के गिवन डेट और बीच के जो मंथ्स होंगे उन सब के हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज। जुलाई में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 3। जुलाई के बाद अगस्त में भी हमारे ऑड डेज 3, सेप्टेम्बर में ऑड डेज 2। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 4 14, 14 आएगा। तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 0 होंगे। वैसे इस केस में 0 है तो 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम विद सिंबल लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो अच्छे से करनी है। अब जून से अक्टूबर तक टाइम में हम आगे, सॉरी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब आते हैं केस सेकंड की तरफ, 2020 से 2014 तक नंबर ऑफ इयर्स कितने होंगे, 6 होंगे प्लस बीच में लीप इयर्स काउंट करेंगे। लीप इयर्स काउंट करेंगे तो 2016 के बाद 20 को इंक्लूड करें या ना करें वो कौन बताएगा, ये बताएगा। 4 अक्टूबर 2014 से अगर हम 28 जून 2020 की तरफ जा रहे हैं तो बताओ बीच में हमारी 29 फेब आएगी या नहीं आएगी, ऑब्वियसली आएगी क्योंकि 29 फेब को क्रॉस करके ही तो कहाँ गए होंगे, 28 जून तक गए होंगे, तो 2020 का भी हम लीप ईयर के फॉर्म में इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे लीप ईयर कितने हो गए, 2। तो टोटल नंबर ऑफ आगे, टोटल नंबर हमारा 8 के रिमेनिंग डेज या फिर ऑड डेज निकालेंगे तो कितने आएंगे, 1 तो आ गया, लेकिन हमें तो उसका सिंबल भी लिखना है। सिंबल देखो, 2020 का दिन दे रखा है, 2014 तक जाना है, तो 20 से 14 की तरफ जाने के लिए हम कैलेंडर में पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखो प्लस 0 और माइनस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल माइनस 1 आएगा। तो हम ट्यूसडे में से माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। यानी कि अगर हमारा 28 जून 2020 को ट्यूसडे है तो हमारा 4 अक्टूबर 2014 को क्या होगा, मंडे होगा। तो
ये थे हमारे केस सेकंड और केस थर्ड। आगे और भी हमारे कैलेंडर पे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।